चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह मंगल के आकार का एक ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना था। ये मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चलता है कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। चंद्रमा की खुरदरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है और यहाँ पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये वायुमंडल विहीन उपग्रह है। ये हीलियम, नियोन और ऑर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत है। प्रत्येक वर्ष चंद्रमा धरती से 3.78 सेमी दूर होता जा रहा है। इस तरह 50 अरब वर्ष तक ऐसा ही होता रहा तो धरती की परिक्रमा करने में चंद्रमा 47 दिन लगाएगा। वर्तमान में चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। हालांकि इंसान चंद्रमा पर 20वीं सदी में ही कदम रख चुका है, इसमें भारत का भी नाम शामिल है। वैज्ञानिक अध्ययन में ये भी सिद्ध हुआ है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होती है। सामान्य तौर पर चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का वजन 16.5% कम होता है।